आपने पहचाना तो नहीं? नहीं उस्ताद, हमने इसका मौका ही नहीं दिया। मौका तो सिर्फ तुमने पिस्तौल निकालने का दिया था, बड़े चौकस। उस्ताद जी, बस शर्मिंदा ना करो, हम बथेरे जलील हो चुके हैं। फिर भी एहतियात का तकाजा यही सलामे, तुम लोग कुछ दिनों के लिए गायब हो जाओ, छप्पर हो जाओ। अगर तुम में से किसी एक भी शनाख्त हो जाएगी बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। क्या मुश्किल? उस्ताद जी, हम उधर जहीरे वाले डेर में छुपने पर मना है उसके लिए। हाँ वो ठीक है, शहर से दूर भी है और महफूज भी है। अपनी मनहूस छिपे लेकर पकड़ा जाए यहाँ से। चलो अख्तर बाबू आइए। तुम जाओ सलामत, मैं नहीं जा सकूंगा। जाता क्यों नहीं? मैं नहीं जा सकता, मेरे घर पे वालिद और बहन। इतनी आसान नहीं होती, इतनी बड़ी पत्थर की सेल रखनी पड़ती है, बहुत कुछ मारना पड़ता है यहां। क्या इधर? फिर भी आजकल मैं उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। लाने जी साहब, तुम जाओ इधर आओ। क्या बैठो, दिल छोटा नहीं, दिल छोटा नहीं। क्या बड़ा? हाँ थोड़ी सी कैलकुलेशन जो मैंने इस सिलसिले में की। देखो सही, रात अल्लाह ताला ने बनाई है आराम करने के लिए, उसकी नियमतों का शुक्र अदा करने के लिए। बजा बजा यासीन। जी साहब जी। अरे भाई तैवा इधर ही ले आना। बहुत अच्छा। आई तो सही, ऐसी खूबसूरत रात में ये जो आप परसेंटेज मॉडे सप्रेंडी और ये तरीकेकार वगैरह का जिक्र ले बैठे हो, कजिया ले बैठे हो, तो सही ये बड़ी अनरोमांटिक सी बात है। तशरीफ रखिए आप। सही, ये अपना यूरोप में तो कारोबार की बातचीत को डिनर के बाद हराम समझा जाता है। ला हौला वला कुव्वत सरदार साहब, आपसे कारोबार की बात कौन कमबख्त कर रहा है? ऐसी बातें तो गौरों से की जाती है, आप तो इस घर के फर्द हैं। अब मैं समझता हूँ सही, मैं समझता हूँ, खुदा ना खास्ता आप मुझ पर बेतबारी या इस वजह से तो ये बात नहीं कर रहे। देखना पड़ता है, कारोबार में लिखत पढ़त करनी पड़ती है। मेरे अर्थ करने का मतलब सिर्फ ये था सही कि ये हिसाब किताब की बातें जो है ना, ये वकीलों को करने दो। हम क्यों खूबसूरत रात को ये जमा तफरीक की बक बक में जय कर दें सही? जी बिल्कुल बिल्कुल, ये तफसीलात तो वकील लोग तय कर ही लेंगे। मैं सिर्फ
एक बात आपके नोटिस में लाना चाह रहा था कि हाँ, मैं समझता हूँ, इसका भी कर लेंगे बंदोबस्त। देखिए ना, इन्वेस्टमेंट तो बहरहाल होनी ही है, दो चार महीने आगे क्या और दो चार महीने पीछे क्या। यस, मैं ये चाह रहा था कि फेज वन में अगर आपकी तरफ से 10-15 लाख की इन्वेस्टमेंट आ जाए तो इससे मेरा खासा बोझ हल्का हो जाएगा। इन दिनों स्टॉक्स की वजह से मेरी खासी रकम ब्लॉक रहती है, आप तो जानते ही हैं। जी मैं कर लूंगा, इसका बंदोबस्त भी मैं कर लूंगा, आप खातिर जमा रखो। पहले कहवा पी लीजिए, ज्यादा खराब होते माशाल्लाह, बड़ी जहीन है आपकी साहबजादी से। इनकी लाडली जी। अरे हम कब इनकार करते हैं इस बात से, है हमारी लाडली हमारी बेटी। जी हाँ, शेर दिन बेईमानी भी खूब सबसे ज्यादा करती है और शेर भी ज्यादा मचाती है। ये तो बड़ी जहानत की बात है भाभी, बेईमानी करने वाला अगर खुद शोर नहीं मचाएगा तो दूसरे मचाने लग जाएंगे। खुद सवाल का जवाब देने से बेहतर होता है कि इंसान दूसरे पर सवाल कर दे भाभी। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या पते की बात कही है सरदार साहब ने। क्यों बेगम, लगता है भाभी को हमारी बात से इत्तफाक नहीं। ये बात नहीं भाई साहब, दरअसल इसका मतलब तो ये हुआ कि इंसान अपने चेहरे के दागों से तवज्जो हटाने के लिए आईने पर ही सही फेरनी शुरू कर दी। बेगम आपकी इस फलसफियाना गुफ्तगू ने हमारे अच्छे से कहे का जायका कसैला कसैला सा कर दिया, खुदा के लिए फलसफा नहीं चाहिए। अच्छा सही, मैं तो अब इजाजत दूंगा, मेरे सोने का टाइम हो गया ना। अभी से सदा साहब, अभी तो 11:02 हुए। सही, 11 बजे तो आधी रात होती है सही। भाई साहब कभी अपनी बेगम को भी यहाँ लाइए ना, ये भी तो उनका अपना घर है। भाभी हमारी औरतें दरअसल कुछ और टाइप की हैं, उसमें ये शहर की नस्लों के आदाब नहीं आते। घर घर में बहुत खुश रहती है वो। अब आप भाई को देखिए, मतलब बेमानी किए जा रहे हैं। अरे भाई चपत लगाओ उसकी कल पट्टी में, कभी तो आराम से बैठा करो ना भाभी ना, इनको शुगल करने दिया करो, ये रंग है इसी उम्र के। अच्छा सही, अब मैं इजाजत, अल्लाह हाफिज, फिर मुलाकात होगी ना। जा अच्छा अच्छा भाभी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह अल्लाह।
कभी कभी मुझे ये लगता है जैसे मेरे तमाम अंदेशे बिल्कुल बेबुनियाद, फिर एक वहम सा किसी कीड़े की तरह सरसराने लगता है मेरे दिमाग में। या इससे पहले कभी ऐसा हुआ नहीं मेरे साथ, मैंने बड़े से बड़ा सबन बेथौर खोकर उठाया। बाबा जानी, शायद इसकी वजह यह है कि इस खास प्रोजेक्ट में आप अपने तमाम वसायल एट स्टेक ला रहे हैं, या इसका मैग्नीट्यूड बढ़ गया है ना? हो सकता है क्योंकि है भी, एक तरफ तो मैं सरदार साहब को बदगुमान नहीं करना चाहता और दूसरी तरफ आप कौन से ग्रांट? मेरा ख्याल नहीं कि सरदार जंगली जैसा बड़ा और खानदानी आदमी को हैंकी पैंकी कर सकता। लेकिन डैड, बात यह कि उसका सोसाइटी में एक मुकाम है, एक स्टेटस है। You're simply mistaken, my son. जहां रकम का मामला हो वहां ये स्टेटस वगैरह ये सब चीजें बेमायने हो जाती हैं। इंसान को वापसी का रास्ता हमेशा खुला रखना चाहिए। तो फिर आपने क्या सोचा, क्या करें? यही तो समझ में नहीं आ रहा। सरदार साहब बात इस तरह करते कि आगे बहस की गुंजाइश ही नहीं रहती। जब तमाम बातें कानूनी तौर पर तहरीरी माहदे की शक्ल में हो रही है तो इसमें घबराने की क्या बात है? बलखुरदार, तुमने जिंदगी को सिर्फ किताबों में पढ़ा और पढ़ाया है, ये बातें आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारी समझ में आएंगी। देखो, कानूनी माहदे के मुताबिक मेरी जिस रकम को तहफुज दिया गया है वो असल रकम का 20% भी नहीं है, नॉट इवन 20%। समझा नहीं? मैं समझाता हूं। तुम हुकूमत हर कारोबारी सौदे पर मुख्तलिफ तरीकों से टैक्स वसूल करती है। पहले भाई, मैं आपको बताऊं, लेकिन सपोज हम गेन टैक्स से बचने के लिए किताए जमीन की रजिस्ट्री 50,000 में कराते हैं, जबकि हमने बेची हो 2,00,000 में। अब सपोज कि अगर दूसरी पार्टी मुकर जाती है तो हम क्या करेंगे? ठीक है, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन ये सब करने की जरूरत क्या है? जरूरत है बरकरार, जरूरत है। जानते हो, बांस का पौधा एक रात में जितना बढ़ता है, आम का पौधा उतना ही बढ़ने के लिए कितना वक्त लेता है? कम से कम 6 महीने। बाबा जानी, बांस के और आम के पौधों में फर्क भी तो होता है। तुम बहुत मत करते हो बरकरार, एक दफे तुम्हें पैसा कमाने की आदत पड़ गई ना तो फिर बांस के पौधे पर आम उगाने का फन भी सीख जाओगे। नाउ कीप क्रैकिंग ऑन इट। वो सदा मेरा आपके पास आने का मकसद सिर्फ इतना है कि हम चूंकि एक ही फील्ड में काम कर रहे हैं, इसलिए बजाय इसके कि हमारे इंटरेस्ट क्लैश करें और दोनों को परेशानी हो, हम एक दूसरे को अपने हदों से आगाह कर दें ताकि कोई भी किसी के इलाके में ट्रस्ट पास ना करे। यकीन कीजिए मिस्टर गनी, मुझे आपकी गुफ्तगू का एक भी समझ में नहीं आया। कैसे इंटरेस्ट, कौन सा इलाका, कौन सा हुदूद और कैसी ट्रेस पासिंग? मैं तो एक मामूली सी फैक्ट्री ओनर हूँ, कपड़ा बनाकर बेचती हूँ और बस। आप तो ऐसे बात कर रहे हैं कि किसी शिकारगाह में हाथ बनने आ रहे हैं। आप उनके साथ से काम ले तो ये और बात है। वैसे आपकी मिल हमारे मुल्क की पहली 4 बड़ी मिलों में शुमार होती है और हम चूंकि इस लाइन में आने का इरादा कर रहे हैं, इसलिए जवान साहब ने मुझे आपके पास भेजा कि आपसे बात करें। आप लोग बड़े शौक से इस लाइन में आए, तो बड़ी खुशी की बात है। इंडस्ट्री बढ़ेगी तो इससे पूरे मुल्क को फायदा होगा। वो तो होगा और मैं भी चाहूंगा, लेकिन आपने मुझे कम कीमत पेशाब वाला चक्कर चलाया। आई एम सॉरी, मेरे कहने का मतलब यह था जो आपने रेट्स रखे हैं इन पर तो कोई भी कंपीट नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? मैंने मुनाफे की शरह 7% रखी है, आप 6% रख लीजिए। ये कैसे हो सकता है? आप 25% प्रॉफिट छोड़ के हम 6% कर लें? क्यों नहीं, ये भी तो देखिए कि इसमें फायदा कितना है। देखिए ना, लोगों को कपड़ा सस्ता मिल रहा है और हमारी प्रोडक्शन बढ़ती जा रही है। यस, एसपी साहब तशरीफ लाए। हाँ भेजिए। देखिए सीर साहब, आप अपने वो क्या नाम बताया था आपने? जमाल, जमाल फारूक, हमारे एमडी हैं। हाँ, उनसे कहिए कि वो भी इस लाइन पर सोचे। जी बिल्कुल।
السلام علیکم. السلام علیکم سمی صاحب، یہ سعید غنی صاحب ہیں، جمال فیبرکس کے سیلز مینیجر. ہیلو سر، نائس ٹو میٹ یو. بڑی خوشی ہوئی آپ سے مل کر. پلیز سر بیٹھے. شکریہ. جی ایسے ظاہر کیسے یاد کیا ہم نے؟ ظاہر ہے مسٹر سمی، پولیس والوں کو کیوں یاد کیا جاتا ہے؟ کوئی خیر کی خبر تو نہیں ہوتی؟ ہاں ظاہر ہے خیر کی خبر تو نہیں ہوگی. دراصل کچھ ڈاکو کو سارے میرے گھر میں سمی صاحب کل رات. جی جی ہاں، چار پانچ تھے غالباً. پہلے انہوں نے میرے دونوں ملازموں کی مشکل باندھی اور انہیں کمرے میں بند کر دیا، اس کے بعد کھڑکی پھاند کر میرے کمرے میں آ گئی. ایسا ہوا کہ دو آدمی کے پاس میرا خیال ہے ریوالور بھی تھے. کمال ہے، آپ تو ایسے مزے مزے میں سنا رہی ہیں جیسے یہ کوئی فلم کا سین ہو. جی پھر؟ پھر انہوں نے مجھے سیف کی چابیاں مانگی. خاصے وہ ویل انفارم ہوتے تھے میرے گھر کے بارے میں. یہ ظاہر ہے، اس قسم کے ڈاکے اکثر مکمل انفارمیشن کے بعد ہی ڈالے جاتے ہیں. بس وہ تو مجھے کمبختی سمجھی. آپ ایس پی صاحب کے انہوں نے مجھے چابیاں مانگ لیں. ادھر میں نے چابیاں الماری کھولی اور جیسے ہی میں وہاں پہ پستول دیکھا تو ان میں کنک پھیل گئی. ادھر میں پولیس کو ٹیلی فون کر رہی تھی، ادھر وہ بھاگنے کی کر رہے تھے. تو آپ نے ان کو فائر نہیں کیا؟ اگر میں ایسا کرتی سعید خان صاحب تو شاید اس وقت زندہ نہ ہوتی. ان کے پاس بھی ہتھیار تھے، وہ ڈیسپریٹ ہو کے کچھ بھی کر سکتے تھے. یہ آپ نے بالکل ٹھیک مسز احمد. رپورٹ تو مسٹر سمی نے اسی وقت ٹچ کرواتی تھی آپ کو. اس نے میں نے اس وقت اس لیے زحمت دی ہے کہ آپ متعلقہ تھانے کو ذرا ایکٹیو کر دیجیے. ویسے آپ مجرم کو شناخت کر سکتے ہیں؟ نہیں، انہوں نے چہرے چھپا رکھے تھے. چہرے کی ساخت تو نہیں لیکن آنکھوں کی ساخت، آواز، قد کاٹ، میرا مطلب ہے کہ مجھے یقین ہے کہ آپ نے پہچان سکیں گی. کچھ نہیں کہہ سکتی میں البتہ. کچھ کہہ رہی تھی شاید آپ؟ نہیں نہیں کچھ نہیں، ایسے ہی بس ایک خیال سا آیا تھا. کسی پر شبہ ہے آپ کو؟ نہیں نہیں، میری کسی سے کیا دشمنی ہو سکتی. اچھا ایکسکیوز می. اچھا مجھے یہ مت مجھے آپ چاہ سکتے ہیں. اچھا خدا حافظ. اگر آپ مناسب سمجھے تو جمال صاحب سے ایک میٹنگ کر لیں. میرا نہیں خیال مسٹر سعید کے اس سلسلے میں کسی میٹنگ کی ضرورت ہے. بہرحال لیکن کمی نہیں ٹائم، میں چار بجے تک دفتر میں ہوتی ہوں. تو کل 11 بجے ممکن ہوگا؟ ہاں ٹھیک ہے 11 بجے. لیکن 11 بجے کے مطلب 11 بجے شام. جی بالکل، تھینک یو ویری مچ. اچھا سر خدا حافظ. ہاں تو مسز احمد آپ بتا رہی تھی کہ ہیلو عابد خان، ہاؤ یو؟ کہاں آتے جانے ابھی؟ یہیں میں تو یہی ہوتا ہوں. تمہیں نظر نہیں آتے. آپ کی تاریخ؟ یہ میری سیکٹری ہیں مس شمائلہ امبرین، اور شمائلہ یہ عابد خان ہیں جانے عزیز، یہ احمد علی گروپ آف انڈسٹریز کے مینیجنگ پارٹنر. بہت خوشی ہوئی آپ سے مل کر. جی آپ خالبن نہیں آئی؟ جی جی ہاں. شمائلہ ذرا کافی کا کہنا. جی بہت اچھا. بس چاچا ٹھیک ہو رہی ہوں. ایک منٹ بیٹی ایک منٹ. اب بس کرو نا، آپ کو سونا پڑ رہا ہے، ڈال لینا. دو چار دانے زیادہ یا کم پڑتے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ فرق پڑتا ہے بیٹی، فرق پڑتا ہے. اگر میری طرف سے گاہک کو کوئی چیز زیادہ چلی جائے تو خیر ہے، لیکن اگر ایک دانہ بھی کم چلا گیا تو وہ حشر کے دن تک میرے سینے پر پتھر بنا رہے گا، اور انصاف کی گھڑی میں ساری خلقت کو چیخ چیخ کر بتائے گا کہ میں ایک بےمان آدمی ہوں. ابو آپ بھی حد کرتے ہیں، اتنی بھی کیا ایمانداری؟ اب ٹھیک ہے. تمہیں پتا ہے بیٹی کینسر کیسے پھیلتا ہے؟
शुरू शुरू में एक नामालूम नुक्ता होता है जिसे खुदबीन भी नहीं देख सकती और फिर एक दिन यही पूरे जिस्म को ढांककर फर्श कर देता है। माशा भी एक जिस्म की तरह होता है बेटी, गिरने लगता है तो फिर गिरता ही चला जाता है। अबू आपकी सारी बातें सारी बातें ठीक है मगर नहीं 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 ठीक बात सिर्फ ठीक होती है बिल्कुल ठीक। ये अगर मगर चूंकि चुनाचे लिहाजा लगाने से बात जख्मी हो जाती है। देखो बेटी महबूब सच्चाई लंगड़े आदमी की तरह होती है, बेबस बेकस माजूर। वो फरिश्ते का है तुम्हें तैयार किया? हाँ। हर चीज की खरीदो फरोख की कीमत उसके सामने लिखी और हाँ आपने नमक की तो मुझे रसीद दी नहीं उसके तुमने। अरे ये बेटी ये नमक भी अजीब चीज होता है, इसे लोग खाकर हराम कर देते हैं, लोगों के जख्मों पर छिड़कते हैं। नमक मिर्च लगाकर वो क्या कहते हैं बात को कहां से कहां तक पहुंचा देते हैं। और जो बेटी अगर खाने में नमक ना हो तो खाने का मजा ही नहीं आता। वो मिर्जा खालिद ने क्या खूब कहा है कि वो मजा होता अगर पत्थर में भी होता नमक। अबू एक बात कहूं, आपको ना प्रोफेसर होना चाहिए था यहाँ नहीं बैठना। वो कबूतर खून निकालने वाला। अच्छा अच्छा नाराज नहीं होते, बैठो बैठो। अच्छा मैं चलती हूँ ठीक है। हाँ मैंने वो खाना तैयार कर दिया, याद से खा लीजिएगा। वो तकली के नीचे मैंने रोटियां रखी, वहां से निकाल लीजिए। मगर तुम कहाँ जा रही बेटी? मैं मेरा इंटरव्यू हो रहा है फिर। इंटरव्यू? हाँ तुमने तो मुझसे जिक्र भी नहीं किया। अब मुझे भी मैंने भी आज ही अखबार में पढ़ा है, वो जमाल फैब्रिक्स वाले है ना, है ना, उन्होंने एक इश्तेहार दिया है, उन्हें चंद लड़कियों की जरूरत है ऑफिस जॉब के लिए। बेटी तुम्हें तो वो टाइप शॉर्टहैंड तो आती है। अबू उन्होंने सिर्फ ये लिखा है इश्तेहार में कि इंटरमीडिएट क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, उन्होंने तो बीए किया है। मगर आखिर किस लिए क्यों? अबू आपको पता है नौकरी क्यों की जाती? हाँ मैं जानता हूँ, मगर ये मैं क्या ये काम कर रहा हूँ? ये काम इस काम से घर का खर्चा नहीं चल सकता, और फिर आप हमें हमारे हिस्से का काम करने दीजिए। वो तो ठीक है बेटी, लेकिन देख लो सामान बहुत खराब। अब आप फिक्र ना करें, जमाने अगर ऑक्टोपस भी हुआ ना तभी मैं आवाज नहीं आऊंगी। हाँ अच्छा मैं चलती हूँ। जी उस्ताद जी। श्री मास्टर ने खत इतने दिनों के बाद क्यों बचाया? वो उस्ताद जी वो अपने बीवी बच्चों को लेकर तो अपने साले की शादी पे गया हुआ था, कल ही वापस आया है। ये उधर बाले की माँ ने मुझको डेरे पे तला पहुँचाई थी तो मैंने कहा मैं उस्ताद को खुद भी आऊँ जाकर। तुमने बहुत अच्छा किया, क्या बिल्कुल ठीक किया। मैं कुछ दिनों के लिए फैसलाबाद जा रहा हूँ, पीछे का ख्याल रखना। तुम फिक्र ना करो उस्ताद जी, पर ये खत पढ़कर तुम कुछ चुप से हो गए हो, कोई फिक्र वाली बात है? हाँ भाभी का खत है, नासिर का झगड़ा हो गया किसी से। कोई सट सुट तो नहीं लगी? लगी। ये किसकी जरूरत है उस्ताद जी, मुझे कम पढ़ो। मैं तो कई रोज से तुम्हारे इंतजार कर रही थी। वो कुछ काम था ना, मैं कराची गया हुआ था, आज ही खत मिला, मैं चला आया। नासिर कहाँ है? पट्टी कराने गया है, आता ही होगा। चोट सादा लगी है? हाँ चाचा जी,
पांच टांके लगी है भाईजान के सर पर। इतना खून बह गया था कि डॉक्टर साहब कह रहे थे अगर और खून बह जाता तो बड़े खतरे की बात थी। बस तू मशीन की तरह एक दफा शुरू हो जाए ना तो फिर दम नहीं लेती। जा जाके चाचा जी के लिए चाय का पानी रख दिया। ये बता भाभी, कसूर किसका था? क्या झगड़ा कैसे हुआ? घर से तो हॉकी का मैच खेलने गया था, वहीं कोई लड़ाई हुई है। इसने छुड़ाने की कोशिश की तो लड़कों के लड़कों ने इसी पर हॉकियां बरसाना शुरू कर दी। बड़े अथरे मुंडे हैं उनके, पैसे ने दिमाग खराब कर रखा है। मलिक, ट्रांसपोर्ट वाले? हाँ, मुझे तो ये सामने वाले वकील साहब ने बताया कि नासिर को लड़के उठाकर अस्पताल ले गए हैं। इनका बेटा भी वहीं था। पर्चा नहीं कराया? कोशिश की थी मगर मुझको नहीं होने नहीं दिया। और फिर सब यही समझाते रहे कि वो बड़े जोर वाले हैं, उनसे दुश्मनी नहीं करनी चाहिए। जो होना था हो चुका। आपने ठीक किया भाभी, बिल्कुल ठीक किया। क्या मैं यहां नहीं होता ना तो कोई नहीं इन बच्चों के सर पर? क्या और कोई नहीं इनके सर पर? अस्सलाम वालेकुम चाचा जी। वालेकुम सलाम। कब आया? अभी भाई, तुमने लड़ाई झगड़े कब से शुरू कर दिए? क्या बदमाशियां करने लगे हो? नहीं चाचा जी, आपको तो पता है मैंने तो कभी किसी को नाजायज बात तक नहीं कही। लोगों ने बिल्कुल खामखा मुझे मारा। किसी से पूछ लीजिए। किसी से क्या पूछना है, मुझे तुम्हारा पता नहीं है कि तुम्हें नहीं जानता क्या? लालन तेज है। आप ये बताएं इस तरह इतनी देर से क्यों आए? पता है पूरे दो महीने के बाद आए हैं आप। कुछ काम था क्या? बिजनेस। आपको पता है मैं अपनी क्लास में सेकंड आई हूँ। 5 बुक्स मिली है मुझे इनाम में। अरे हमारी बेटी है नंबर 1। क्या फर्स्ट क्लास? बहुत बहुत शुक्रिया। क्या थैंक यू वेरी मच। देखो भाई साहब, हम हैं शरीफ और इज्जतदार आदमी। बच्चों का झगड़ा था, मैंने दरगुजर किया तो क्या फायदा है? बात बढ़ जाए, हमारे हाथ से किसी को नुकसान पहुंच जाए। तुम भी जरा अपने भतीजे को समझा दो। मलिक साहब, ज्यादा तो आपके लड़के ने की है। क्या मारा तो आपके लड़के ने है? अट्टा तो आपको उसके गले में डाल के रखना चाहिए क्या? मुंह संभाल के बात करो। हमारी गैब कराई हुई लाश तो फरिश्तों को नहीं मिलती है, समझ रहे हो ना बात? हाँ ठीक है मलिक साहब, आप ठीक बोल रहे हो। ये हमारे ही लड़के ने जाति की होगी, उसी ने मारा होगा। क्या जिसको चोट लगती है उसी को पट्टी बनती है, वही अस्पताल जाता है ना? जाता है ना मलिक साहब? हाँ बस मैंने यही पता करना था। क्या मालूम, बड़ी मेहरबानी है। मेहरबानी तुम्हारा सामान। ₹6.75। कितने पैसे बताया होगा? 6.75 रुपए। ज्यादा है क्या? ज्यादा तो नहीं पर ये सौदा तो 8 रुपए का बनता है। 8 रुपए का बनता है? बेटी मेरी पास से हमेशा सस्ता सौदा मिलेगा इंशाल्लाह। अच्छी बात है, शुरू में चीजें सस्ती बेचो तो दुकान जल्दी चल जाती है। तुम्हारे पास वैसे गलत बात नहीं की,
बाजार में रहते हुए मार्केट के रेट से कम पर बेचना बहुत मुश्किल होता है। मुश्किल होता है कुरैशी साहब, नामुमकिन तो नहीं होता। और आपको मालूम है कि मैं मुश्किल काम से घबराता नहीं। लेकिन क्या कर रहा हुसैन, क्या कर रहा हूं? मैंने तुम्हें ये दुकान, अगर तुमने कारोबार ही करना था तो कुछ मेहनत से हलाल कमाने की कोशिश कर रहा हूं। और क्या कर रहा हूं? आज यूनियन के दफ्तर में तुम्हारे लिए खसूसी मीटिंग हुई थी। तुम्हें पता है तुम्हारे शासन तुम्हारे लिए एक खसूसी फंड कायम किया है। हम चाहते हैं कि तुम्हें सकुन से क्या करे। मैं क्यों किसी से करता, कमाल कर रहा हूं। मेरे हाँ हाथ पहुंचे, मेरा होटला घूमता है। मैं नहीं मानता भीख। लहो दोस्तों के जज्बे को तुम भीख कह रहे हो? रविदान, मेरी तरफ से सब दोस्तों का शुक्रिया अदा कर दीजिएगा। मुझे कहिएगा भाई, तुम्हारी बड़ी मेहरबानी। मुझे लोगों की दुआओं की जरूरत है और अल्लाह के दुआ सब कुछ है मेरे पास। मुझे कुछ नहीं, मेरी बात समझने की कोशिश करो फकीर हुसैन। अब समझ कर रखो, इससे कुछ अच्छा सा कारोबार करो। कुछ तुम्हारे का बता देते हैं कर रहा। मैं अपने ऊपर बोझ क्यों ला दू? मैं कह दीजिएगा बड़ी मेहरबानी। फकीर हुसैन के पास सब कुछ मौजूद है, अल्लाह का दिया सब कुछ। बस मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। जी बी, किनसे मिलना है आपको? मैनेजर साहब। जी हाँ, अंदर तशरीफ ले जाइए। नहीं इधर, इस दरवाजे। सलाम इस्लाम, तशरीफ रखिए। शुक्रिया। मैनेजर साहब आप हैं? जी। अच्छा, तो आप लोगों का एक इश्तेहार आया था अखबार में। ओह, तो आप कोशिश ही नहीं है? जी। एक मिनट, इधर खड़ी होंगे हो गया। तशरीफ रखिए। आपका नाम? सैदा, सैदा नसीम। तालीम दिए? पहले कहीं काम किए? नहीं। टाइपिंग आती? जी नहीं। मॉडलिंग करें? जी। ये जो लड़की नहीं आती इश्तेहार वगैरह में? नहीं, आपने तो इश्तेहार में कुछ और लिखा हुआ था कि ऑफिस जॉब। वो भी ठीक है, पर अगर हमें एक्टिंग में किसी फ्रेश मॉडल की भी जरूरत है। अच्छा, वैसा करें कि यहां से भी मीटिंग पर जा रहे हैं, मैं कोशिश करता हूँ वो आपकी एक नजर देख लें। अच्छा, आप ऐसा कीजिए, अपनी दरखास्त और सारे पर्टिकुलर्स सही साहब के पास छोड़ जाइए। मैं आपको दो तीन दिन में बुलाऊंगा। जी बेहतर। मैं इस हफ्ते जरूर मीटिंग में जा रहा हूँ, अगर आप इंतजार कर सकें तो सही फीकन में बैठ जाइए। जी बेहतर, फिर आ जाऊंगी। एज यू लाइक। अच्छा, वो आबिद का शायद टेलीफोन है, उसे कहना कि मैं शाम को क्लब में मिलूंगा। ओके सर। अच्छा सईद, जान अजीज, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज सर। अच्छा सईद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। जी प्लीज बैठे, एक कप चाय पीते जाए। नौकरी तो लगता है आपकी पक्की हो गई। मैंने जमाल साहब की नजर से अंदाजा लगाया क्या आप उन्हें बहुत पसंद आई है। मुबारक। नौकरी के लिए आई मिस्टर सईद। जी हाँ, मेरा भी कहने का मतलब ये था कि आपकी नौकरी पक्की हो गई। मैं आपका मतलब तकरीबन होना चाहिए। आप वाली लड़कियों में से एक और लड़की का इजाफा चाहते हैं ना?
जी हाँ, वो कॉर्नर वाली सीट आपकी होगी। आप अपने मिस्टर जमाल से कह दीजिएगा कि मुझे बुलाने की तकलीफ ना फरमाए, मुझे नौकरी नहीं चाहिए। मेरी समझ नहीं आ रहा कि आप किस पसंद की बातें कर रहे हैं। मेरी जिंदगी जैसी भी है, जिस तरह भी गुजर रही है, आपको इससे क्या? ओ, आप तो नाराज हो गए। मैं तो सिर्फ इस ख्याल से कह रहा था कि आप जैसी ग्रेसफुल औरत को इस तरह मौसम से कट कर नहीं लेना चाहिए। और मैंने कभी मैंने देखा है कि कारोबारी लोग जाति सतह पर भी ताल्लुकात बढ़ाते हैं, मिलते हैं, मिलते हैं। अब वक्त ये अमरीका नहीं पाकिस्तान है। दूसरे ये कि मुझे महफिलों से चिढ़ है, मुझे नफरत है इन छोटी मुस्कुराहटों से जो चेहरों पर इश्तहारों की तरह सजी रहती है। और तीसरी और आखिरी बात ये कि मैं अपनी पर्सनल लाइफ में दखल अंदाजी बर्दाश्त नहीं करती, समझे आप? जी जी। आप मसरूफ आदमी हैं, आपके काम का हर्ज होगा। मैं आपको ज्यादा देर तक रोकना नहीं चाहती। शुक्रिया। तो मैं बुधरा उकाब की बातें अपनी है पुत्र। उकाब बड़ा नर जानवर होता है पुत्र। अल्लाह ताला ने उसकी आंख बड़ी तिक्खी दी है उसको। बैठो पुत्र, बैठो ना। आए हमारे इलाके में कभी तुम्हें दिखाए? मेरे पास बड़ा कामयाब नस्ल का बाज है, बहुत बाज है। यह कहने मुझे तो खुद बहुत शौक है गांव देखने का। हाँ आओ हमारे गांव में, बड़ी खूबसूरत जगह है देखने वाली, वहां कभी आओ पुत्र। जी जी जरूर। मैं दरअसल वास्तव आपके पास हाजिर हुआ था एक मशवरा करने के लिए। हाँ हाँ बोलो पुत्र, बोलो। इरशाद पुत्र, वो पुत्र हमारे बंदे जो है ना, इनके काम तो सिर्फ हमारा हुक्म सुनने के लिए होते हैं। तुम नहीं समझोगे इस बात को। अच्छा मैंने पुत्र नहीं आ रहा हूं। बहुत शाबाश, बहुत चलो। मैंने पुत्र रियासत, चलो शाबाश, बहुत बहुत। हाँ हाँ पुत्र बोलो। सरदार साहब, मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि वो काम आपने कैसे करवाया था? कौन सा काम पुत्र? वही जो कुछ आदमी निकालने थे पुलिस की हिरासत से। हाँ पुत्र, वो तो हो गया था काम, वो पहुंच गया मेरे इलाके में माशाल्लाह खैरियत से। वो मुझे पता चला था, मैं दरअसल उस शख्स से मिलना चाहता था। उससे वो जिसने? क्यों पुत्र, कोई ऐसा काम? नहीं, काम तो खैर आपके काम से बहुत छोटा है, लेकिन बहुत अहम। हाँ हाँ पुत्र, वो करा देंगे करा देंगे। वो है रियासत को उसके डेरे का पता है, मैं रियासत को कहता हूँ, वो मिलवा देगा आपसे। रियासत और क्या बस। कहां था तुम सारा सारा दिन? घर की शक्ल नहीं देखते थे आज सुबह से, बिस्तर में घुसे बैठे हो, क्या बात? बस क्यों नहीं? कोई बात है जरूर, है ना? ना तो मेरे घर में रहने से खुश हो,
ना मेरे घर से बाहर रहने से खुश। आखिर तुम चाहती क्या? बातें कितने बनाने आ गई जलील को। कौन आ गई? चल जाके देख। चल चल हट रहा हूँ। चल सेना तुम बैठने देना मुझे। देखता हूँ।